दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए शनिवार शाम बीजेपी ने 232 उम्मीदवारों के लिस्ट जारी कर दी है। इसके बाद अब 20 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम के ऐलान किए जाएंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट में 232 उम्मीदवारों के नाम हैं। इस लिस्ट में 9 पूर्व मेयर, 52 पूर्व पार्षद, 3 डॉक्टर और 4 जिला अध्यक्ष शामिल हैं। बता दें, एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी, 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इससे एक दिन पहले आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 134 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की लंबी बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। सूची में 60 से अधिक महिलाएं हैं। पार्टी ने एक बयान में कहा कि 90% टिकट जमीनी स्तर पर काम करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। गौरतलब है कि पिछले 15 सालों से दिल्ली के नगर निगम में बीजेपी का कब्जा है, जबकि दिल्ली की सत्ता पर 8 साल से आम आदमी पार्टी काबिज है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी एमसीडी में सियासी वर्चस्व नहीं कायम कर पा रही है।